सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आयुर्वेदिक हेल्थ अपडेट्स को, बेल आइकन को दबाए नई होम रेमेडी देखने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हेयर को नेचुरली कैसे डाई करते हैं और आपके हेयर ग्रे हैं या नहीं भी हैं तो हेयर पर एक अच्छा सा ग्लॉस कैसे लाएं, उसको कंडीशनिंग कैसे करें और बहुत ही नेचुरल वे से मैं आपको बताऊंगी जो भी होम रेमेडी बताऊंगी आपको कैसे फॉलो करना है आपके बालों को नेचुरल तरीके से कंडीशनिंग करेगा। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नेचुरल है, मैं आपको बताऊंगी इसे बनाना कैसे है और लगाना कैसे है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कर देना। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, मैंने यहाँ पर बीट रूट लिया है यानी कि चुकंदर लिया है और मैंने इसको छील करके और इसको टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हमें इसको ग्राइंड करना है मिक्सी में डालकर। अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसको छन्नी में छान लेंगे और इसका जूस निकालेंगे। गाइज ये देखिए, मैंने बीटरूट का जूस निकाल लिया है और अब हम अपनी मेहंदी तैयार करेंगे। गाइज, हमें एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, ये मेरी मेहंदी की कढ़ाई है, मैं इसमें मेहंदी घोलकर अपने सर में लगाती हूँ। हमें एक छोटी कढ़ाई लेनी है, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास यहाँ पर नेहा मेहंदी है, बड़ा पैकेट है, कोई सा भी ले सकते हैं। अपने बालों के अकॉर्डिंग आपको मेहंदी लेनी है। मेरे बाल लंबे हैं तो मैं ज्यादा ले रही हूँ। दूसरी चीज हमें लेनी है कॉफी, कॉफी पाउच आप कोई भी ले सकते हैं। फ्रेंड, कॉफी के अंदर बहुत मात्रा में कैफीन होता है, कैफीन हमारे बालों को बनाता है, शाइनी बनाता है, मजबूत बनाता है और घना बनाता है। तो फ्रेंड्स, एक पाउच मैंने कॉफी डाल दिया है इसमें, अब चुकंदर का जूस डाल देंगे हम इसमें। थोड़ा थोड़ा डालें, एक साथ में डालकर मिलाएं। देखिए फ्रेंड्स, अभी से कितना प्यारा कलर लगने लगा है मेहंदी का। गाइस, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, हमने अपनी मेहंदी को यहाँ पर घोल लिया है अच्छी तरह से। अब हम यहाँ पे विटामिन ई का एक कैप्सूल लेंगे और इसको डाल लेंगे। विटामिन ई ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों को टूटने से बचाता है और बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, शाइनी बनाता है। गाइस, मैंने दो कैप्सूल डाले हैं क्योंकि मेरे बालों की लेंथ ज्यादा है, मेहंदी भी मैंने ज्यादा घोली है। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग लें, अगर आपके बाल कम है तो आप एक कैप्सूल डाल लें, मैंने दो डाले हैं। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गाइस, आप देखो कितना अच्छा इसका कलर आया है। और अब हम इसको ओवरनाइट के लिए ढककर रख देंगे। ये लोहे की हमने कढ़ाई ली है ताकि इसका पूरा आयरन हमारी मेहंदी में आ जाए और वो आयरन हमारे बालों को मिले। तो पूरी रात के लिए हम इसको ढककर रख देंगे, उसके बाद मैं आपको लगाना बताती हूँ। ये देखिए गाइस, हमने मेहंदी को ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। अब हमारी मेहंदी कुछ इस तरह दिख रही है। अब मैं फ्रेंड्स अपने बालों पे इसको अप्लाई कर लूंगी और बालों पे लगाने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप अपने हेयर को वॉश कर लें। शैम्पू नहीं करना है, आप शैम्पू अगले दिन कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बाजू में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।